गांव में रहता था, जहाँ जंगल रहे जंगल रहता था वहाँ वहाँ रहते थे। और वो अपना घर, हाँ, एक कारव करके एक वनस्पति रहती है, कारव कारव करके एक वनस्पति रहती है, उसका लेप बनाकर कूड़ बनाकर उसको मिट्टी गोबर मिक्स करके वो हाँ करते थे। और कलर के लिए मिट्टी, लाल मिट्टी बैठिए ना चलेगा ना, गोबर और लकड़ी जलाने के बाद जो रहता है कोयला, वो बैकग्राउंड के लिए रखते थे। और पेंटिंग करने के लिए तब वो कलर नहीं थे, वाइट कलर जो अभी पोस्टर कलर है, एक्रेलिक कलर है, वो कलर नहीं थे, तभी वो राइस पाउडर चावल काटा बनाकर, हाँ, उसमें एक मोम करके एक वो पेज रहता है मोह का, उसमें जो गम आता है मोह का गम, उसमें मिक्स करके वो पेंटिंग करते थे। पेंटिंग करते वक्त उन लोगों को पता नहीं था, सिर्फ वो त्रिकोण से ट्रायंगल से बनाते थे कि समझो एक, और एक गोल बनाते थे और पूरी छोटी छोटी लाइन बनाकर वो पेंटिंग बनाते थे। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ऐसा कि सुबह का टाइम है, ये सब लड़कियां सब औरत अपना अपना मटका लेके पानी भरने के लिए कुएं पे जाते हैं। ये सात बहनें हैं, एक दो तीन चार पांच छह और सात, सात भाई हैं एक फार्मर के। वो सभी एक दिन काम पे जाते हैं, खेती खेती का काम करने के लिए, ये खेती दिखाया है, खेती का काम करने के लिए वो जाते हैं। काम करते 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 दोपहर हो जाती है, दोपहर होने के बाद वो सोचते हैं कि चलो अभी नदी पे जाते हैं और नहाते हैं। वो नहाने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाता है तो जहाँ बारिश गिरती है या वाटरफॉल रहता है, वहाँ वाटरफॉल पे सात बहनें रहती हैं, वो सात बहनें नहाती रहती है, और जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है वहाँ वे सात भाई हैं वो नहाते रहते हैं। तो सबसे छोटी बहन रहती है, उसका एक बाल गिरता है, बाल गिरता है तो वो सोचती है कि अगर ये बाल मैं पानी में डालूंगी तो पानी में जो मछली वगैरह है वो खाएंगे तो वो मर जाएंगे, ऐसा सोचती है। वो पानी में नहीं डालती, फिर वो सोचती रहती है कि अगर ये मैं बाल जमीन पे डालूंगी तो जमीन पे जो कीड़ा मूंगा कुछ है वो खाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए वो वैसे सोचती सोचती नदी के किनारे बैठते सोचती है तो सामने एक पेड़ दिखता है पलस का, यहाँ होगा, हाँ, पलस का पेड़ रहता है, तो उसका एक बीच में का पत्ता रहता है, वो तोड़ती है। तोड़ने के बाद वो अपना बाल उसमें लपेटती है और ऐसा पूड़ी बांध के वो पानी में डाल देती है। वो सोचती है कि अगर ये जो है बाल है वो अगर दरिया में गया तो बड़े मछली रहती है वो खाएंगे तो वो मरेंगे नहीं, ऐसे सोचती है, वो छोड़ देती है पानी के प्रवाह में। लेकिन ये जो सात भाई है जो डोह में नहाते रहते हैं, उसके सात भाई का सबसे बड़ा भाई रहता है, उसको वो मिलता है, वो खोल के देखता है, पूड़ी खोल के देखता है तो उसमें एक बाल रहता है,
वो बाल हाथ में लेकर वो सोचता है कि ये बाल जिसका होगा उसके साथ में शादी करूंगा। हाँ, तो वो बाल लेके घर आता है और माँ बाप के हाथ में देकर वो कहता है कि ये बाल ले लो और ऐसा गांव में जाओ, जो जो लड़कियाँ शादी के लायक होगी उसका नाप ले लो, अगर ये तंतो-तंतो हो गया तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। वो माँ बाप पूरे गाँव में घूमते हैं लेकिन एक ही ऐसी लड़की नहीं मिलती कि जिसका बाल उसके साथ एक जैसा हो। वापस वो घर आते हैं, घर आने के बाद ये सात बहनें रहती है तो उसका नैप लेने को कहते हैं, तो वो ऐसे नैप लेते जिसका बाल टूटता है उसके बाल और ये बाल एक जैसे होते हैं। सबसे बड़ा भाई रहता है, वो उसने सोचा था ना कि इसके साथ ही मैं शादी करूंगा, लेकिन हिंदू समाज में बहन के साथ शादी नहीं करते, इसलिए वो सुबह पेड़ पे चढ़ती है तो सुबह से दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है और शाम के बाद रात होती है, रात होने के बाद वो चांद निकल आता है। चांद निकल आने के बाद ये कहती है कि अगर मुझे पृथ्वी से बचाना है तो मुझे आपका जो बांधा हुआ पागोटा है वो छोड़ दो और मुझे ऊपर ले लो। तो वो चांद पागोटा छोड़ के इस लड़की को ऊपर ले लेता है और सबसे बड़ा भाई जिसके मन में एक विकृति निर्माण होती है इसलिए उसको स्नेक बाइट करता है और ये स्टोरी खत्म होती है यहाँ।